तो नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने एजाइल uh, के अंदर जो अगला रोल एग्जिस्ट करता है uh, या सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ओनर अच्छा अब प्रोडक्ट ओनर और एजाइल का लिंक आपस में यानी दिस इज़ द कोर रोल विच एग्जिस्ट इन एजाइल जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो यूजली रिप्रजेंट कर रहा होता है सेल्स uh, टीम की रिक्वायरमेंट को uh, मार्केटिंग टीम की रिक्वायरमेंट को हायर मैनेजमेंट यानी जो सी होते हैं उनका जो प्रोडक्ट के बारे में विजन है या जो रिक्वायरमेंट के बारे में विजन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है या अगर कस्टमर है कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है यानी अगर मैं आपको सदर में बताऊँ एजाइल के अंदर जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो एक्चुअली मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ हम उसको एक्चुअल क्लाइंट बोल सकते हैं वट डज इट मीन प्रोडक्ट ओनर हमें यह बताता है कि उसको कौन से फीचर चाहिए उसको कौन से फीचर कितने अरसे में चाहिए उसका उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो उसको वो, उसको वो प्रायोरिटाइज करता है फॉर एग्जांपल प्रटाइज से मुरादी होती है कि अगर प्रोडक्ट ओनर ने छः फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके पास तो ऑबियसली साइमल्टेनियस यानी एक साथ छः रिक्वायरमेंट्स के ऊपर टीम काम स्टार्ट नहीं कर सकती तो आप बेसिकली प्रोडक्ट ऑनर को ये बोलते हैं कि इन छः में से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको नंबर कर दो मतलब वन से लेकर यानी वन बीइंग द हाईएस्ट हर रिक्वायरमेंट के आगे नंबरिंग कर दो ताकि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो तो ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो जो प्रोडक्ट ओनर है वो ड्राइव करता है आप जो समझें सारी की सारी डेवलपमेंट को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट व्यू पॉइंट यहाँ पर ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट ओनर होता है ना वो टेक्निकल रिसोर्स uh, नहीं होता जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ड्राइव करता है इसे मुरादी होती है कि वो ये बताता है कि क्या बनाना है यानी वॉट इज रिक्वायर्ड हाउ इट विल बी डिवेलप्ड यानी उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है वो प्रोडक्ट ऑनर का काम नहीं है तो ये पिक्चर जो आपको शो कर रही है एक्चुअली कि जो प्रोडक्ट ऑनर है ये बेसिकली कोलेबोरेशन है यानी ये बेसिकली आप यू समझिए कि सीनियर मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड सेल्स यूजर एंड कस्टमर्स को बेसिकली एक जगह मर्ज कर रहे हैं और राइट right साइड पे आपको नजर आ रहा होगा डेवलपमेंट टीम एंड स्क्रम मास्टर ये दो और रोल हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं लेकिन प्रोडक्ट ओनर जो है वो क्लाइंट के बिहाफ में या खुद क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल अगर वो ज्वाइन करना चाहता है uh, है एजाइल के अंदर तो वो आइडियल सन्हरियो है लेकिन अमूमन क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अ, खुद इन्वॉल्व हो और डेली बेसिस के ऊपर तो अमूमन क्लाइंट या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रिक्वायरमेंट्स बेसिकली बता रहा होता है और अ, और रिक्वायरमेंट और को डेली बेसिस पे प्रायोरिटाइज कर रहा होता है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशन एंड निगोसिएशन कर रहा होता है तो असेंशली प्रोडक्ट ओनर इज़ equivalent to the client or that uh, that person or that uh, uh, role who is actually driving what is required by the development team